हेलो एवरीवन, दिस इज द पार्ट 8 ऑन केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो अपने इस लेक्चर में हम लोग बेसिकली इलेक्ट्रोलिसिस को और भी अच्छे से समझेंगे। उसके लिए हम एक दो एग्जांपल लेकर के उसको और डिटेल में पढ़ेंगे। तो बेसिकली उसमें हम क्या करेंगे, कुछ इलेक्ट्रोलाइट लेकर के, है ना, फिर उसका इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे और फिर ये देखेंगे कि इलेक्ट्रोड पे क्या प्रोडक्ट बन रहा है और वो कैसे बन रहा है। सपोज मैंने NaCl का ले लिया इलेक्ट्रोलाइट, है ना, और साथ में प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड ले लिया। तो हम ये समझेंगे कि NaCl का जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हैं तो फिर इलेक्ट्रोड, प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड जो हमने लिए हैं, इन पे जो प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या बन रहा है और वो कैसे बन रहा है। ठीक है, अगर ये मेरा NaCl का है और ये प्लेट, मेरे जो इलेक्ट्रोड है ये दोनों प्लेटिनम के हैं, तो आफ्टर द इलेक्ट्रोलिसिस जब मैं यहां से करंट पास करूंगा इस सोल्यूशन में, है ना, तो उसकी वजह से क्या होगा, मेरा NaCl जो Na प्लस Cl माइनस टूट जाएगा और वो किस इलेक्ट्रोड पे जाएगा और कैसा होगा, किस इलेक्ट्रोड पे कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है, किस इलेक्ट्रोड पे कौन सी गैस निकल रही है, तो उसको हम यहाँ पे डिटेल में समझेंगे। ठीक है, इसके पहले, क्योंकि इसके पहले के भी लेक्चर्स में हम लोगों ने देखा था कोई भी इलेक्ट्रोलाइट जो है वो अपने सॉलिड फॉर्म में रिएक्ट नहीं करता है। रिएक्ट करने का मतलब है उसमें सॉलिड फॉर्म में करंट कंडक्ट नहीं होती है, इलेक्ट्रिसिटी उससे पास नहीं होती है ना। क्यों? क्योंकि उनके एटम जो होते हैं उनमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। ठीक है, तो हम इलेक्ट्रोलाइट को किस फॉर्म में लेते थे, ये लास्ट टू लास्ट लेक्चर में भी हम लोगों ने बात किया था। इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स को हम लोग किस फॉर्म में लेते थे, दो फॉर्म में लेते थे ना, या तो फिर हम मोल्टन स्टेट में, है ना, मोल्टन स्टेट में लेते थे, या मोल्टन फॉर्म में लेते थे, या फिर हम एक्वस फॉर्म में लेते थे। मोल्टन का मतलब क्या हुआ, वो पर्टिकुलर ही इलेक्ट्रोलाइट रहेगा उसको हम गर्म कर देंगे, हीट दे करके उसको गर्म कर देंगे जिससे वो पिघल जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे NaCl लिया, है ना, तो हम अभी क्या करें, NaCl को लेकर के और इसको गर्म कर दें तो क्या होगा, ये मोल्टन फॉर्म में आ जाएगा, है ना, तो NaCl का मोल्टन फॉर्म हो जाएगा वो। उसमें हमने कुछ मिक्स थोड़ी ना किया, सिर्फ NaCl और उसको गर्म कर दिया। ओके, अब NaCl का अगर मैं एक्वस लेता हूँ, एक्वस सोल्यूशन, तो उसमें क्या होगा, NaCl में ही मैं H2O को एड कर दूंगा, तो NaCl का एक्वस सोल्यूशन हो गया। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है, मॉल्टन स्टेट में और एक्वस फॉर्म में क्या होता है कि इनके जो एटम्स का स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड है वो टूट जाता है, तो जिसकी वजह से ये आयंस में आसानी से टूट जाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगते हैं। ठीक है, तो ये दोनों केस हम लेके चलेंगे। अभी सपोज मैंने NaCl का लिया कि मुझे NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस कराना है विद प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, है ना, तो उस केस में पहले NaCl को मॉल्टन फॉर्म में लूंगा, फिर मैं NaCl को एक्वस फॉर्म में लूंगा। अब एक्वस फॉर्म में दो कंडीशन बनती है यहां पर, एक तो बनती है कंसेंट्रेट, कंसेंट्रेट NaCl का एक्वस फॉर्म, दूसरा बनता है डायलूट, है ना। तो कंसेंट्रेट और डायलूट का मतलब क्या हो गया, कंसेंट्रेट का मतलब कि यहां पे NaCl प्लस H2O तो है लेकिन NaCl ज्यादा है H2O कम है। डायलूट का मतलब हो गया कि NaCl प्लस H2O तो है लेकिन यहां पे H2O ज्यादा है बट NaCl कम है। कंसेंट्रेट और डायलूट का मतलब ये हुआ। तो वन बाय वन हम इन दोनों केस को लेके चलते हैं। ठीक है, मतलब बेसिकली तीन केस को, 1, 2 और 3। ओके, ओके, तो पहला केस हमने लिया है, केस वन, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl सोडियम क्लोराइड जो कि मोल्टन स्टेट में है। ठीक है, हमने सिर्फ सोडियम क्लोराइड को लेकर गर्म कर लिया विथ प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के साथ में NaCl का हमें इलेक्ट्रोलाइसिस करानी है। ठीक है, तो इसका एक बार ड्रॉ कर लेते हैं, सेल तो सेम ही रहेगी, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल रहेगी, और इसमें मैंने ये दो इलेक्ट्रोड लगा दिए और दोनों इलेक्ट्रोड मेरे किसके हैं, प्लेटिनम के हैं। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रोलिसिस जितने अच्छे से समझ में आएगी, इलेक्ट्रोप्लेटिंग को समझना उतना ही आसान हो जाता है। ये मेरा इलेक्ट्रोलाइट हो गया, किसका, ये इलेक्ट्रोलाइट NaCl का सोडियम क्लोराइड का, और ये दोनों मेरे इलेक्ट्रोड हैं जो कि किसके हैं, प्लेटिनम के हैं, जिसमें से इसको मैंने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से ऐड कर दिया और इसको नेगेटिव, तो जिसको पॉजिटिव से किया वो क्या है मेरा, वो हो गया एनोड, और जिसको नेगेटिव से किया वो मेरा क्या हो गया, कैथोड। ठीक है, ओके, हमें
NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस करानी है जो कि मॉल्टन फॉर्म में है और प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के साथ है। ओके, तो जब इसमें से करंट फ्लो होती है ना इलेक्ट्रोड के थ्रू, तो ये जो इलेक्ट्रोलाइट है वो फिर अपने करेस्पॉन्डिंग आयंस में टूट जाएगा। ठीक है, तो मेरा NaCl है वो किस में टूट जाएगा, Na प्लस और Cl माइनस में, Na प्लस और Cl माइनस में टूट जाएगा वो, Na प्लस और Cl माइनस में। अब ये देखते हैं कि एनोड पे क्या होता है और कैथोड पे क्या होता है। तो पहले हम लोग एनोड का केस लिखेंगे, है ना, व्हाट हैपेंड एट एनोड। एनोड पे होता क्या है, एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन अब तक क्लियर हो गया होगा ना कि एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो एनोड पे जाएगा कौन, जाहिर सी बात है ये मेरा कैटायन है, ये मेरा एनायन है, तो एनायन मेरा जाता है एनोड पे ये, और कैटायन मेरा जाता है कैथोड पे। तो इसको जाएगा क्या, इसको जाएगा क्या, इसको जाएगा मेरा एनायन। ठीक है, वो मेरा एनोड पे जाएगा। ओके, क्लोरीन आयन मेरा एनोड पे गया और वहां पे क्या होगा, इसका ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, तो यहां पे जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा, एनोड के पास जाएगा ये यहां पर, और यहां पे जाके इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। ठीक है, और क्लोरीन गैस बना लेगा, क्लोरीन सिर्फ क्लोरीन बचा है ना, तो ऐसे ही दो क्लोरीन आपस में मिल करके क्या बना लेंगे, वो Cl2 जो कि गैसीय फॉर्म में रहेगा, तो मतलब कि यहाँ पे क्लोरीन की गैस बन जाएगी। ठीक है, अब मैं इन दोनों रिएक्शन को, पहले तो ये वाला होगा फिर ये होगा, इन दोनों को लेकिन लिखा साथ में ही जाता है। ठीक है, कि क्लोरीन आया उसने इलेक्ट्रॉन निकाला, क्योंकि यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होना है, क्लोरीन यहाँ से एनोड पे आया और एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, तो इसने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाला, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, फिर एक और क्लोरीन के साथ मिलकर उसने Cl2 बना लिया, क्योंकि Cl2 के फॉर्म में ही रहता है, गैसीय स्टेट है, तो इन दोनों को अगर साथ में लिखना हो तो यहाँ पर 2Cl और Cl2 और 2 इलेक्ट्रॉन, अगर एक क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन निकालता है, दो क्लोरीन दो इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, और ये क्लोरीन गैस बना करके जो कि एनोड से निकल जाएगी। ठीक है, तो हमने ये चीज देखा भी था कि हमें कैसे पता, लास्ट टू लास्ट लेक्चर में, कि हमें कैसे पता चलेगा जब इसमें हम इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराएंगे तो इसमें केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तो उसमें एक ऑप्शन ऐसा भी था कि बबल्स एट इलेक्ट्रोड, तो यहाँ पे एनोड से बबल्स निकलेंगी, गैस निकलेंगी, है ना, तो हमें पता चलेगा केमिकल रिएक्शन हुआ। अब देखते हैं कि कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पे होता क्या है, कैथोड पे होता है रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यस, ऑब्वियस ही बात है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये छोटे छोटे टर्म क्लियर होने चाहिए, है ना। ओके, तो यहां पर कैथोड पे कौन आएगा, मेरा Na प्लस आएगा। ठीक है, Na प्लस ये क्या करेगा, तो ये यहां पे इलेक्ट्रॉन ले करके, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन ना, तो इसको इलेक्ट्रॉन मिलेगा, तो यहां पे एक इलेक्ट्रॉन ले करके ये बना लेगा मेरा सोडियम का सॉलिड फॉर्म, मतलब ये Na प्लस मेरा कैथोड पे आएगा, यहां से उसने एक इलेक्ट्रॉन लिया और इस सॉलिड फॉर्म में यहां पर डिपॉजिट हो गया, स्टिक हो गया, चिपक गया वहां पर। ठीक है, स्टिक है कैथोड, तो यहां पे अगर मैंने 2Cl लिया है तो इसका मतलब क्या हुआ, मुझे Na2 लेना पड़ेगा, है ना, 2 ओवरऑल मतलब ये 2NaCl था, ये तो 2Na प्लस और 2Cl माइनस, तो 2 अगर ये है, अगर एक सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लेता है तो दो सोडियम दो इलेक्ट्रॉन लेंगे ये, और ये सॉलिड फॉर्म में ये बना लिया, तो ओवरऑल ये है कि इसकी जो इलेक्ट्रोलिसिस हमने कराई है NaCl की मेल्टन फॉर्म में, तो हमने क्या देखा कि एनोड पे तो हमारा क्या निकल रहा है, Cl2 गैस निकल रही है एनोड से, तो और कैथोड पे हमें क्या मिला, कैथोड पे हमें यहाँ पे सॉलिड फॉर्म में Na मिला जो कि चिपका हुआ इससे, सोडियम मिला, मतलब कैथोड पे हमें सोडियम मिला और एनोड पे हमें Cl2 गैस मिली। ये इलेक्ट्रोलिसिस था NaCl का मॉल्टन फॉर्म में विद प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के साथ, ये ओवरऑल इसमें रिएक्शन हुआ। ओके, नाउ हम लोग दूसरा
दूसरा केस लेते हैं, केस वन तो हो गया हम लोग का, केस टू लेते हैं ठीक है, कि इलेक्ट्रोलिसिस और NaCl, अब मैंने इसको एक्वस लिया है ठीक है, एक्वस स्टेट में लिया है, इलेक्ट्रोड मेरा वही है प्लेटिनम का ही है ठीक है, तो उसमें भी फर्स्ट केस मैंने लिया है कंसेंट्रेटेड NaCl लिया है, मतलब कि क्या हो गया NaCl ज्यादा है और H2O कम है, NaCl ज्यादा है प्लस H2O कम है, कंसेंट्रेटेड फॉर्म में लिया है, ये मैंने सेल बना दिया यहाँ पे ठीक है, तो इस इलेक्ट्रोलाइट में क्या है NaCl है और H2O है, ये कैथोड है और ये एनोड है, फिर हम करंट फ्लो करेंगे तो इलेक्ट्रोलाइट अपने करेस्पॉन्डिंग आयन में टूट जाएगा, तो NaCl मेरा किसमें टूट जाएगा Na प्लस और Cl माइनस में टूट जाएगा, और इसमें H2O भी साथ में है तो वो भी टूट जाएगा, H2O वो किसमें टूटेगा H प्लस और OH माइनस में टूट जाएगा ठीक है, अब दोनों केस देखते हैं कि कैथोड पे क्या होगा एनोड पे क्या होगा, पहले एनोड का केस देखते हैं, एनोड पे क्या होगा और इधर अपन लेते हैं कैथोड का क्या होगा, कैथोड पे क्या होगा, तो एनोड पे क्या होता है ऑक्सीडेशन ठीक है, और एनोड पे आता कौन है कैटायन आते हैं, यहां पर अगर मेरा NaCl टूटा तो Na प्लस और Cl माइनस बना लेगा और यहां पर H प्लस और OH माइनस बन जाएगा, तो जो प्लस है ना एनोड पे आता कौन है हमारे एनायन आते हैं, ये हो गए एनायन ठीक है, ये हमारे एनोड पे जाएंगे, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये दोनों तो हो गए कैटायन और ये दोनों हो गए एनायन ठीक है, कैटायन और ये मेरा हो गया एनायन ओके, तो मतलब एनोड पे आएगा कौन एनायन, अब एनायन में अपने पास दो एनायन है Cl माइनस और OH माइनस ठीक है, दोनों में लिख लेते हैं, अब इन दोनों से जाएगा कौन वो भी देखते हैं, क्योंकि दो हो गए कॉम्पिटिशन स्टार्ट हो गया, इसलिए एग्जाम्पल में तो वो अकेला ही था Cl माइनस तो आराम से चला गया, अभी दो दो हो गए तो देखना पड़ेगा, ऐसे ही कैथोड पे क्या आता है कैटायन आता है, कैथोड पे होता क्या वैसे तुम्हारा हम लोग का होता है रिडक्शन है ना, कैथोड पे क्या होता है रिडक्शन होता है, और रिडक्शन का मतलब क्या हो गया गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ आता कौन है यहाँ आता है कैटायन, तो यहाँ पे भी कैटायन भी दो है Na प्लस और H प्लस, तो देखना पड़ेगा इन दोनों में से कैथोड पे कौन जाएगा, इन दोनों में से एनोड पे कौन जाएगा, तो इस जब भी दो से ज्यादा हो जाते हैं या एक से ज्यादा हो जाते हैं किसी भी पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड पे, तो हमें उस केस में हमें इनका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल देखना पड़ता है, तो किसका रिडक्शन पोटेंशियल हो जाता है, अगर रिड्यूस करवा रहे हैं रिडक्शन के केस में और ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं तो हमें ये देखना पड़ेगा किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो पहले जाएगा उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड पे, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो जाएगा कैथोड पे, तो हमें उसकी लिस्ट देखनी पड़ती है, वो लिस्ट देखते हैं ओके, तो एनोड पे वो उसका ऑक्सीडेशन होगा जिसका दोनों में से जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा, कैथोड पे वो रिड्यूस होगा या उसका रिडक्शन होगा जिसका इन दोनों में से रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिस्ट लिखी है, दिस इज द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ये जब वो ऊपर से नीचे जाते हैं तो क्या है रिडक्शन पोटेंशियल वो बढ़ता है, और जब नीचे से ऊपर आते हैं तो फिर क्या होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बढ़ता है, तो मतलब कि नीचे जाएंगे रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ेगा तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वो कम होगा, ऊपर जाएंगे तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बढ़ेगा तो इसका मतलब रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा ठीक है, तो देख लेते हैं पहले कि एनोड को मुझे ऑक्सीडाइज कराना है, तो मतलब जो जितना ऊपर होगा उसका ऑक्सीडेशन होगा, तो मेरा यहाँ पे Cl और OH ये रहा है ना, तो मतलब कि Cl मेरा ऊपर है तो इसका ऑक्सीडेशन होगा और OH नीचे है तो इसका पोटेंशियल कम हुआ, तो ठीक है यहाँ पे Cl का ऑक्सीडेशन होगा ठीक है, अब कैथोड पे मुझे रिडक्शन करवाना है तो यहाँ पे Na प्लस और H प्लस है, तो नीचे जाने पे रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ता है, तो मतलब जो जितना नीचे होगा सोडियम तो मेरा ये रहा और हाइड्रोजन ये रहा, मतलब हाइड्रोजन नीचे है सोडियम ऊपर, इसका मतलब रिडक्शन किसका होगा रिडक्शन होगा मेरा हाइड्रोजन का, तो वहां वो हम लिस्ट से उस चीज को पता करते हैं ठीक है, लेकिन जब मैं इसको डायल्यूट फॉर्म लूंगा तो वहां पे एक ट्विस्ट आएगा उसको उस समय देखते हैं ठीक है, तो अभी लिस्ट से पता चल गया कि एनोड पे मेरे पास दो एनायन आए थे Cl माइनस OH माइनस, मेरा इसमें जो होगा वो Cl का Cl माइनस का ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड पे दो आए थे Na प्लस और H प्लस, इसमें रिडक्शन होगा किसका H प्लस का होगा
तो देखते हैं फिर ये एनोड पे क्या होगा। एनोड पे ऑक्सीडेशन होना है सीएल का, तो एनोड ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो मतलब सीएल मेरा वो इलेक्ट्रॉन को निकाल करके और क्या बना देगा, वो बनाएगा क्लोरीन गैस। क्लोरीन गैस किस फॉर्म में होती है, सीएल टू, इसका मतलब दो सीएल यहाँ लगे, मैं दो सीएल है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन मतलब कि एनोड पे सीएल माइनस आयन जा करके इलेक्ट्रॉन लूज करके इलेक्ट्रॉन यहाँ निकाल करके और सीएल टू गैस बना के बबल्स के फॉर्म में निकलेगी, गैस बना के इसमें, ठीक है ओके। और यहाँ पर क्या होगा, कैथोड पे हमारा क्या है, एच प्लस का रिडक्शन होगा क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई है, तो रिडक्शन का मतलब क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो एच प्लस मेरा वो कैथोड पे जाएगा और वहां से इलेक्ट्रॉन लेकर के ये बना लेगा क्या, एच टू, ये गैस। तो अगर एच टू तब बनेगा जब मेरा दो हाइड्रोजन होगा, है ना, दो हाइड्रोजन प्लस, तो इसका मतलब दो इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा, तो मेरा हाइड्रोजन प्लस यहां से यहां जाएगा और यहां पे दो इलेक्ट्रॉन लेगा और वो हाइड्रोजन गैस बना देगा, वो निकल जाएगा। तो अभी मतलब एनोड पे सीएल टू गैस निकल रही है और कैथोड पे एच टू गैस निकल रही है, ठीक है, ये दोनों गैसेस फॉर्म में, ओके। तो फाइनली एनोड पे मेरी सीएल टू गैस निकलेगी और कैथोड पे हाइड्रोजन गैस निकलेगी। इसके अलावा ये रिजल्ट और हमें आपसे मिलेंगे कि अब यहां पर मेरा सीएल वो यूज हो जा रहा है, गैस निकल जा रही है, हाइड्रोजन वो हाइड्रोजन गैस फॉर्म में निकल जा रहा है, तो मतलब यहाँ पे मेरा Na बचा और OH बचा, ये Na और OH मिल करके NaOH बना देंगे, मतलब ये जो सोल्यूशन होगा यहाँ पे NaOH का भी फॉर्मेशन होगा। तो NaOH जो होता है वो बेसिक इन नेचर होता है, बेस होता है, तो मेरे सोल्यूशन का नेचर कैसा हो जाएगा, वो बेसिक हो जाएगा, ठीक है। अब Na प्लस, यहाँ पे Na प्लस जो है ये इसका कोई विशेष काम नहीं हो रहा है, तो Na प्लस का जो कंसेंट्रेशन है मतलब जो उसका अमाउंट है ना वो कॉन्स्टेंट रहेगा, Na प्लस कंसेंट्रेशन रिमेन कॉन्स्टेंट, ठीक है। और साथ में क्या हो रहा है, मेरा NaCl जो था वो तो लगातार टूट रहा है Na प्लस और Cl माइनस में, और Cl यूज होता जा रहा है, तो NaCl का जो कंसेंट्रेशन होगा वो लगातार घटता जाएगा, NaCl कंसेंट्रेशन विल डिक्रीजेस, तो NaCl का कंसेंट्रेशन वो घटता जाएगा, Na प्लस का जो कंसेंट्रेशन है वो कॉन्स्टेंट रहेगा और ये सोल्यूशन जो है वो बेसिक होता जाएगा, ओके। ओके, केस टू में ही हम लोग पार्ट बी लेते हैं जिसमें हमने डायल्यूट NaCl लिया है। डायल्यूट NaCl का मतलब क्या हो गया कि NaCl हमारा कम है, वाटर ज्यादा है। इसके पहले वाले केस में क्या था, कंसेंट्रेट वाले में NaCl ज्यादा था और वाटर कम था, ठीक है। हमारे सोल्यूशन में NaCl और H2O दोनों है, जब इस बार मैंने सेल नहीं बनाया, ठीक है, जब हमने इसमें करंट फ्लो किया तो क्या होगा, उसका जो इलेक्ट्रोलाइट होगा वो अपने रिस्पेक्टिव आयन में वो टूट जाएगा, तो NaCl टूट गया Na प्लस और Cl माइनस में, H2O मेरा टूट गया वो किसमें, H प्लस और OH माइनस में, ठीक है। ये दोनों मेरे क्या हो गए, कैटायन हो गए, कैटायन कहां जाएंगे, मेरे कैथोड पे। ये दोनों मेरे क्या हो गए, एनायन हो गए, और एनायन कहां जाएंगे, मेरे एनोड पे, तो दोनों पहुंच गए Cl माइनस और OH माइनस एनोड पे आ गए, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है। सोडियम का आयन और हाइड्रोजन का आयन कहां पे आ गए, कैथोड पे, और यहां पे रिडक्शन होता है, ठीक है। इस वाले केस में तो कोई डिफरेंस नहीं है, है ना, जैसा कि पहले वाले में था वही सेम यहाँ पे भी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे दो लोग हो गए तो दोनों में कंपटीशन होगा, तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई होगा वही उसी का रिडक्शन होगा कैथोड पे। तो हमने देखा था लिस्ट में हमने कि हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल हाई होता है, तो इसका रिडक्शन हो गया, रिडक्शन का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन के आयन थे तो इन्होंने दो इलेक्ट्रॉन लेकर के इन्होंने H2 गैस बना दी और कैथोड से H2 गैस निकल गई। ट्विस्ट जो आएगा वो यहां पे आया ट्विस्ट, ठीक है। ट्विस्ट ये आया कि हमने देखा था अपने स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की लिस्ट में कि जो ऊपर होगा उसका ऑक्सीडेशन होगा, तो उस केस में क्या, सीएल मेरा OH से ऊपर था, ठीक है, तो पिछले वाले एग्जाम्पल में सीएल का ऑक्सीडेशन हुआ भी था, है ना, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं होगा, यहां पे क्या है, यहाँ पे इसलिए ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे OH माइनस का ऑक्सीडेशन होगा, वो इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे H2O बहुत ज्यादा है, तो NaCl के कंपैरिजन में है ना H2O मेरा बहुत ज्यादा है, तो हालांकि Cl का क्लोरीन का, क्लोरीन आयन का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वो ज्यादा है, लेकिन उसकी अमाउंट इतनी ज्यादा कम है कि उसको निग्लेक्ट कर दिया गया,
वही वाली बात है, जैसे 10,000 अगर भेड़िए आ जाए तो एक शेर क्या कर पाएगा, एक लायन क्या कर पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। तो वही वाली बात है यहाँ कि हेड वाटर जो है वो बहुत ज्यादा है यानी सीएल के कंपेरिजन में। यहाँ पर इसलिए काम हो गया क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन मतलब वाटर ज्यादा भी था, तो मतलब हाइड्रोजन ज्यादा भी था और क्या था इसका ऑक्सीजन, इसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई भी था। तो यहाँ पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई टेस्ट नहीं। टेस्ट यहाँ पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है वो ज्यादा है क्लोरीन का, लेकिन अमाउंट ज्यादा है किसकी, ओएच की। इसलिए यहाँ पे ऑक्सीडेशन किसका होगा, ओएच का होगा। तो ओएच ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ओएच माइनस मेरा एनोड पे जाएगा, वहां पे एक इलेक्ट्रॉन निकाल कर ये ओएच में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये एक और ओएच के साथ मिलकर H2O और ऑक्सीजन बनेगा, ये ऑक्सीजन एक और ऑक्सीजन से कंबाइन होकर के ऑक्सीजन गैस बनाएगा। मतलब एनोड से मेरी ऑक्सीजन की गैस निकलेगी और कैथोड से मेरी हाइड्रोजन की गैस निकलेगी। ओवरऑल ये तो इसमें अगर मैं इसका रिजल्ट निकालू तो क्या होगा कि NaCl का कंसेंट्रेशन मेरा कांस्टेंट रहेगा। क्यों? क्योंकि ना तो Na का कोई यूज हो रहा है ना Cl का कोई यूज हो रहा है, दोनों ऐसे ही बैठे हैं, तो कंसेंट्रेट रिमेन कांस्टेंट बिकॉज देयर इज नो यूज। दूसरा, नेचर ऑफ सोल्यूशन जो होगा रिमेन कांस्टेंट होगा। लास्ट वाले मैंने बताया था कि नेचर ऑफ सोल्यूशन वो बेसिक होता जाएगा। क्यों? क्योंकि Na प्लस और OH माइनस मिल करके उसको NaOH बना देते हैं। यहाँ पे लेकिन क्या है, यहाँ पे OH भी यूज हो जा रहा है और H भी यूज हो जा रहा है, ठीक है, इसलिए ये रिमेन कांस्टेंट रहेगा। बेसिकली इसका पीएच वो एच प्लस और ओएच माइनस के ऊपर होता है, कौन सा यूज ज्यादा हो रहा है, यहाँ पे दोनों यूज हो रहे हैं। पिछले वाले एग्जांपल में सिर्फ एच प्लस यूज हो रहा था, तो ना एच प्लस रिस्पॉन्सिबल होता है एसिडिक नेचर के लिए, ओएच माइनस रिस्पॉन्सिबल होता है वो बेसिक नेचर के लिए। ओके, तो यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रोलिसिस के सारे जितने भी पार्ट थे वो मैंने यहाँ पे कवर कर दिया है ना, जितना भी कंडीशन बन रही थी केस वन केस टू एंड केस थ्री, ठीक है। आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा। इनके साथ समझ में नहीं आया है पोस्ट योर डाउट इन कमेंट बॉक्स, ठीक है। लेकिन सबसे अच्छा वे है पढ़ने का कि आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को देखिए, मतलब कि एक वीडियो को कम से कम 5 से 6 से 7 बार 8 बार देखिए, ठीक है, और आपस में उसका डिस्कशन कीजिए, उसके बाद इसका नोट्स बनाइए, तभी आपको इसका फायदा होगा।